हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ एनबीबी न्यूज़। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं हूं टीम नेक्स्ट बिग ब्रांड से। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहां पे जो है इलॉन मस्क वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इलॉन मस्क जो है आज के टाइम पे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है कि वो यहां पे दुनिया के थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। क्या है इसके पीछे की पूरी खबर, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हाल ही में टेस्ला के शेयर प्राइसेस में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उसके वजह से यहाँ पे इलॉन मस्क जो है वो दुनिया के थर्ड रिचेस्ट मैन जो है वो यहाँ पे बन गए। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो है टेस्ला को यहाँ पे जो US की लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनीज की एक लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं S&P 500 इंडेक्स, उसमें उसको ज्वाइन करने के लिए जो है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, जिसके वजह से उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। मैं आपको बता दूँ कि टेस्ला का जो एक शेयर प्राइस है वो यहाँ पे $460 हो गया है, जहाँ पे ये जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 12% का ग्रोथ है। वहीं पे मैं आपको बता दूँ कि जो टेस्ला की जो टोटल वैल्यूएशन है यहाँ पे वो 320 बिलियन पाउंड्स हो गया। मैं यहाँ पे डॉलर की नहीं बात कर रहा हूँ, पाउंड्स की बात कर रहा हूँ, जिसके वजह से इलॉन मस्क के भी जो फॉर्च्यून है यहाँ पे उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जहाँ पे उनका जो पर्सनल फॉर्च्यून है वो यहाँ पे 6 बिलियन पाउंड से जो है बढ़ा है, जहाँ पे जो टोटल इनकी जो नेट फॉर्च्यून है वो यहाँ पे बताया गया है 82 बिलियन पाउंड्स की। वहीं पे अगर मैं इसको आपको डॉलर्स में बात करूँ तो यहाँ पे जो है इलॉन मस्क का अभी जो टोटल वैल्यूएशन है या टोटल वैल्यू है वो यहाँ पे $110 बिलियन की हो गई है। इसी खबर को जो है यहाँ पे ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स ने यहाँ पे बताया, जहाँ पे 49-year-old टाइकून इलॉन मस्क जो है अब यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं, जहाँ पे उन्होंने जकरबर्ग को जो फेसबुक के फाउंडर है उनको यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है, जहाँ पे अभी मार्क जकरबर्ग की जो करंट फॉर्चून है वो 80 बिलियन पाउंड्स बताई गई है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है दो ही लोग अब इलॉन मस्क से जो है वो ज़्यादा आगे है। मैं आपको बता दूँ, पहले तो हमारे यहाँ पे जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर है वो जो है यहाँ पे उनसे आगे हैं, जहाँ पे उनकी जो टोटल फॉर्चून है वो 139 बिलियन पाउंड्स की यहाँ पे बताई गई है। वहीं पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जिनके यहाँ पे टोटल जो फॉर्चून है वो 97 बिलियन पाउंड्स की बताई गई है। वहीं पे अगर इसको मस्क के स्टैंडर्ड्स से देखें तो ये जो है उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी सही परफॉर्म किया है, जहाँ पे उनकी जो टोटल फॉर्च्यून है इस साल में ही सिर्फ 70 बिलियन पाउंड से जो है वो बढ़ चुकी है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क जो है टेस्ला में 20% स्टेक्स होल्ड करते हैं, जहां पे इस साल में ही सिर्फ टेस्ला के जो शेयर प्राइसेज है उसमें 5-fold की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि इलॉन मस्क के नाम जो है एक बोनस कॉन्ट्रैक्ट भी है, जिसके वजह से उनकी जो फॉर्च्यून है वहां पे और भी उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, और वो जो है यहां पे बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ सकते हैं, जहां पे ये बताया जा रहा है कि ये जो बोनस कॉन्ट्रैक्ट है वो डायरेक्टली इनके शेयर प्राइसेस से कनेक्टेड है। और यहां पे जो है जो रिकॉर्ड बोनस उनके लिए जो लाइन में है, मतलब जो यहां पे वो रिकॉर्ड बोनस ले सकते हैं टोटल, वो जो है यहाँ पे बताया जा रहा है 41.5 बिलियन पाउंड्स का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके फुल पे आउट के लिए जो है इलॉन मस्क को यहाँ पे टेस्ला को 2028 तक 490 बिलियन पाउंड्स फर्म का जो है उसको बनाना पड़ेगा, उसकी जो टोटल वैल्यूएशन उसको वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके ये जो रिकॉर्ड बोनस बताया गया है ये उनके नाम जो है हो पाएगा। इसके अलावा भी मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे जनरल मोटर्स, फोक्सवैगन, टोयोटा जैसे बड़े और डेवलप्ड मैन्युफैक्चरर्स के बावजूद और उनके मुकाबले जो है यहाँ पे टेस्ला ने एक बहुत ही छोटे अमाउंट जो है यहाँ पे जो व्हीकल्स है वो प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसके बावजूद जो है टेस्ला जो है अभी मोस्ट वैल्यूएबल ऑटो मेकर इन द वर्ल्ड बन गई है। टेस्ला जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम प्लेग्ड अपस्टार्ट के तौर पे हुई थी, जहाँ पे 15 साल पहले जो है इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन देखते ही देखते टेस्ला आज के टाइम पे मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी इन द वर्ल्ड बन गई है, जहाँ पे उसने जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जैसे कि टोयोटा, फोक्सवैगन, उसको भी यहाँ पे बहुत हद तक जो है बहुत पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो सारा श्रेय जाता है वो टेस्ला के स्टेडी ग्रोथ को जाता है, जहाँ पे उन्होंने स्टेडीली ग्रो कर पाए हैं, लेकिन इस साल के शुरुआती में जो इस पैंडेमिक के वजह से उनके जो ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा दिक्कतें ज़रूर हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसके जो शेयर प्राइसेस हैं वो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे जो है 375% से बढ़ गए हैं, जो कि जो है एक बहुत बड़ा ग्रोथ जो है यहाँ पे माना जा रहा है। इन सब माइलस्टोन्स के बावजूद यहाँ पे जो है एक और मेजर माइलस्टोन यहाँ पे टेस्ला ने अचीव किया है, जहाँ पे वो December 21st को जो है बताया जा रहा है S&P 500 में एंटर करने जा रही है। इन सब के अलावा इलॉन मस्क का जो दूसरा बिजनेस है, जैसे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन बिजनेस जो कि स्पेस एक्स है, उसने यहाँ पे मंडे को भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है, जहाँ पे उन्होंने अपने फाल्कन रॉकेट में 4 एस्ट्रोनॉट्स को जो है यहाँ पे
क्रू ड्रैगन कैप्सूल में डॉक करवाने में हेल्प किया है, वो लोग सक्सेसफुली वहां पे पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि स्पेसएक्स ऐसी पहली कंपनी भी है जो कि यहां पे नासा के साथ, जो कि यूएस स्पेस एजेंसी है, उसके साथ यहां पे पहली कमर्शियल डील कर पाई है। बाकी दोस्तों हमारा आपसे यहां पे ये सवाल है, आप जरा हमें बताइए क्या लगता है कि यहां पे इलॉन मस्क जो है बहुत जल्द जिस तरीके से उनका ग्रोथ देखा जा रहा है, क्या वो अमेज़न के जेफ बिजोस को पीछे छोड़ पाएंगे? आपको लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ऐसा भी कुछ करके दिखा दे इलॉन मस्क? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपसे जो है ज़रूर सुनना चाहते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।